Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस आगरा पर। हम पहले वेन डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं जिनमें दो सेट होते हैं वो पढ़ चुके हैं। आज हम तीन सेट वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जिनमें तीन सेट वाले क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो पहले तुम थोड़ा सा समझेंगे उसके बारे में, फिर उसके बाद हम क्वेश्चनों पर चलेंगे। तो देखो सीधा चलते हैं क्लास पे, क्योंकि जब देखो यहां पर क्लास 17 में आज हम वेन डायग्राम से रिलेटेड और क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो उन क्वेश्चनों में क्या है, जैसे हमने पुराने वाले जो वीडियो जो है, पुराने वाली जो क्लास है उसमें जिन क्वेश्चनों को देखा है उनमें दो सेट होते थे, लेकिन यहां पर तीन सेट होंगे। जैसे मान के चलो एक सेट है, बिल्कुल ध्यान से समझना, एक सेट है एन ए तो उसका वेन डायग्राम बनेगा ऐसे करके। एक दूसरा सेट है मान के चलो एन बी तो उसका वेन डायग्राम बनेगा मान के चलो ऐसे बनेगा। ऐसे तीसरा सेट है मान के चलो एन सी तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ऐसे करके तीन नए वेन डायग्राम बनेंगे तीन सेटों के। तीन सेट है ए बी सी, इन तीन सेटों के तीन वेन डायग्राम बनेंगे। तो इसमें जो ए में आने वाले टर्म है वो होंगे, इसमें ए में आने वाले टर्म होंगे इस वाले सेट में ए में आने वाले टर्म होंगे, यहां पर बी में आने वाले टर्म होंगे इस वाली जगह पर, और इस वाले में जो लास्ट वाला है इसमें सी में आने वाले टर्म होंगे। अब उसके बाद क्या है कि अगर तीनों सेटों में, जैसा कि मैंने दो वाले में बताया था सेम तीन वाले में वही चीज है, अगर इन तीनों सेटों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो ये हम इस प्रकार से एन ए एन बी एन सी तीनों अलग लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन अवश्य होगा। तो इनमें कॉमन जब होगा तो हमें चीजों को ओवरलैप करना पड़ेगा। जैसे एन ए और एन बी में मान के चलो कुछ कॉमन है तो इन दोनों का हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो वो इस प्रकार से बनेगा। इन दोनों का वेन डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो वो इस प्रकार बनेगा। तो मान के चलो ये ए है ये बी है, शॉर्ट में लिख देते हैं, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस वाले भाग में ए और बी में कॉमन आ जाएंगे, ऐसे ही इन दोनों से मैंने बनाया। ऐसे ही बी और सी में कुछ कॉमन होंगे तो बी और सी में जो कॉमन होंगे उनके लिए वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, ये बी है ये सी है तो इसका मतलब इसमें बी और सी में कॉमन आ जाएंगे। ऐसे ही सी और ए में भी कुछ कॉमन होंगे तो सी और ए के लिए कॉमन बनाएंगे तो ऐसे करके। ये वाला मान के चलो सी है और ये है तो इन दोनों में जो कॉमन भाग है वो ये वाला हो जाएगा। तो ये वाले जो है मैंने ए बी बी सी सी ए जो बनाया है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ए बी सी में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये टर्म हो गए। उसके बाद ए और बी में कुछ कॉमन है तो ए और बी का कॉमन भाग ये होगा, बी और सी में जो कॉमन होगा उसका कॉमन भाग ये होगा, और सी और ए में जो कॉमन होगा उसका भाग ये होगा। अब यहीं पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई वैल्यू ऐसी हो जो ए बी सी तीनों में कॉमन हो, तो जो वैल्यू तीनों में कॉमन होगी तो उसके लिए वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो इसमें क्या है, केवल दो सेटों में यहां पर हमने तीन सेट लिए हैं प्यारे विद्यार्थियों। पुरानी वाली क्लास में हमने दो सेटों को पढ़ा था, आज हम तीन सेटों को पढ़ रहे हैं। तीन सेट लिए हैं ए बी सी, तो ए सेट में कुछ टर्म होंगे, बी सेट में कुछ टर्म होंगे और सी सेट में कुछ टर्म होंगे। तो ये तीनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो ये तीनों के लिए इस प्रकार से हम वेन डायग्राम बना देंगे, तीनों सेट अलग अलग। लेकिन मान के चलो ए और बी में कुछ कॉमन होगा तो उसके लिए ऐसे बनेगा, बी और सी में कुछ कॉमन होगा तो ऐसे बनेगा, सी और ए में कुछ कॉमन होगा, मतलब अगर संख्याएं कॉमन होती हैं तो दो सेट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, क्योंकि जब उनमें कुछ कॉमन है तो एक भाग हमें ऐसा बनाना पड़ेगा जिस जो भाग दोनों में कॉमन हो। तो यहां पर देखो ये वाला भाग ए और बी में कॉमन है, बी और सी में ये वाला भाग कॉमन है, ये वाला भाग जो है वो सी और ए में कॉमन है। लेकिन यहां पर कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो ए बी सी तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन हो इसलिए तीन सेट के टर्म में, तीन सेट के केस में जो वेन डायग्राम बनाया जाता है, जैसे मान के चलो तीन सेट हैं एन ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए में, ऐसे ही एक दूसरा सेट है, एक दूसरा समुच्चय है एन बी, ऐसे ही मान के चलो एक तीसरा समुच्चय है एन सी,
तो इस केस में जो वेन डायग्राम बनाया जाएगा, मैंने बताया था सबसे पहले तो रहेगा हमारा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल जो रहता है वो होता है 100% मान, ठीक है, रेक्टेंगल होता है 100% मान। उसके बाद रेक्टेंगल के बाद हमें यहां पर अगर तीनों में कॉमन देखना है तो तीनों में कॉमन के लिए तीनों सर्किलों को ओवरलैप करना पड़ेगा। जैसे ये ए का भाग है, इसी प्रकार से ये मान के चलो बी का भाग है, इसी प्रकार से ये मान के चलो सी का भाग है। तो देखो यहां पर ये वाला जो भाग है, इस भाग को अगर हम देखें तो इस वाले में बी भी आ रहा है, इस वाले में ए भी आ रहा है, इस वाले में सी भी आ रहा है, ये वाला भाग तीनों का कॉमन हो गया। इसका मतलब इस भाग की अगर मैं बात करूं तो ये ए कॉमा बी एंड सी तीनों का कॉमन भाग होगा, तो तीनों का कॉमन भाग ये होगा। उसके बाद अब इसी वेन डायग्राम में हम जो ये वाली चीजें हैं, हमें वेन डायग्राम ऐसा तो है नहीं कि जब कॉमन नहीं हो तो उसके लिए अलग बनाए, फिर दो है तो उसके लिए अलग बनाए और तीन के लिए अलग बनाए, ऐसा तो करना नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन अगर हमको दिखेगा तो उसमें हमें वेन डायग्राम ऐसा बनाना है जिसमें सारे भाग आ जाए, मतलब ए बी सी के अलग अलग भी आ जाए, उसके अलावा दो दो भागों वाले कॉमन भी भाग आ जाए, और उसके अलावा ए बी सी तीनों में कॉमन भी आ जाए। तो आप नीचे वाले वेन डायग्राम में देखो तो जो मैंने ब्लैक से हाईलाइट किया है ये होगा ए बी सी तीनों का भाग। उसके अलावा देखो ये वाला जो बचा ये होगा दो का भाग, ये वाला जो बचा ये वाला होगा दो का भाग, ए और बी का ये, बी और सी का ये, और बी और सी का ये, ए और सी का ये वाला भाग, बी और ए का ये वाला भाग, और सी और बी का ये वाला भाग। ठीक उसी प्रकार से जो ये बचेगा, इस सब के बाद जो ये बचेगा ये हो जाएगा ओनली ए, ये हो जाएगा ओनली सी, और ये हो जाएगा ओनली बी। अब देखो मैं इनको रिप्रेजेंट कर देता हूं, इधर आपको सारी चीजें क्लियर बता देता हूं। तो देखो ये जो है ये ओनली ए, केवल ए में जो टर्म होंगे वो इस हिस्से में आएंगे, ऐसे ये वाला होगा ओनली बी, केवल बी में जो टर्म होंगे, सी है तो सी वाले टर्म, केवल सी में जो टर्म होंगे और ए और बी में नहीं होंगे वो यहां आएंगे, और ओनली बी का मतलब जो ए और सी में नहीं होंगे केवल बी में होंगे वो यहां आएंगे। और जो रेड वाले पेन से मैंने लिखा है तो रेड वाले पेन से यहां पर इसमें जो आएंगे वो ए और बी दोनों के आएंगे, ए एंड बी। ऐसे यहां पर अगर हम बात करें तो ये ए एंड सी दोनों के आएंगे, यहां पर जो टर्म आएंगे वो आएंगे जो ए और सी दोनों में कॉमन होंगे, यहां पर आएंगे बी और सी दोनों में कॉमन, क्योंकि देखो बी का ये है और सी का ये है, तो बी और सी दोनों का भाग है ये। इस वाले की अगर हम बात करें तो इसमें आएगा ए एंड सी, बीच वाले में ए बी सी तीनों आएंगे। तो इस प्रकार से तीन टर्मों के लिए जब कभी भी हमको तीन सब्जेक्ट दिए हों या तीन टर्म दिए हों, उस केस में हमेशा वेन डायग्राम आपको इस प्रकार से बनाना है। देखो इसमें सिंगल वाले भी आ गए, इसमें डबल वाले हिस्से भी आ गए जो मैंने ये बताए, इसके अलावा इसमें तीनों वाले भी आ गए जो तीनों में कॉमन होगा, तीनों में टर्म कॉमन होंगे, तो वो वाली चीज है। तो देखो वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तीन के लिए हमेशा तीन सर्किल बनेंगे, एक एन ए का बनेगा, एक सर्किल आपका एन बी का बनेगा, दूसरा सर्किल आपका, देखना ध्यान से समझना, एन दूसरा सर्किल जो है बी का बनेगा, और एक तीसरा सर्किल सी का बनेगा। अब आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं रटना है, बस बात को समझना, ये ए होगा, ये बी होगा, और ये सी होगा। अब इसमें आप बिल्कुल क्लियर देखिए, ये 100% आयत का जो मान है वो 100% होगा। उसके बाद ये जो बचेगा, ये वाला जो भाग बचा, इसमें वो होंगे जो वेन डायग्राम में नहीं आएंगे। जैसे वेन डायग्राम में मान के चलो भाग लेने वाले आए तो यहां पर आएंगे भाग न लेने वाले, उसके अलावा मान के चलो वेन डायग्राम पास वालों का है तो ये वाला भाग होगा फेल वालों का, उसके अलावा ये मान के चलो चुनाव में भाग लेने वाले अगर हम वेन डायग्राम में दर्शा रहे हैं तो इधर आएंगे चुनाव में भाग ना लेने वाले, अगर हम वेन डायग्राम में चुनाव में भाग लेने वाले न लेने वाले दर्शा रहे हैं तो यहां आएंगे चुनाव में भाग लेने वाले, और टोटल हो जाएंगे 100%। तो आयत का मान 100% होता है। अब देखो इसमें तीनों में कॉमन भाग कौन सा होगा, तो तीनों में कॉमन भाग होगा ये, इसका मतलब ये जो रेड से रिप्रेजेंट मैंने किया है, रेड मार्कर से जो रिप्रेजेंट किया है, इसमें ए भी होगा, बी के टर्म भी होंगे, और एंड सी, मतलब इस भाग में वो टर्म आएंगे जो ए बी सी तीनों में कॉमन हो वो इस भाग में आएंगे। फिर उसके बाद देखना, मैं ब्लू से जो मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वाले जो हिस्से हैं, इस वाले हिस्से में, ब्लू वाले हिस्से में केवल वो आएंगे जिनमें दो हो, मतलब दो में कॉमन, ए और बी में कॉमन कॉमा बी और सी में कॉमन कॉमा सी और ए में कॉमन, मतलब दो दो में जो कॉमन होंगे वो ए से होंगे, और ओनली ओनली ए वाले कौन से होंगे, देखो
ओनली ए वाले ये होंगे, मतलब सिंगल वाले ये होंगे जो मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट करता हूं, जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं, इसमें आएंगे ए के टर्म कॉमा बी के टर्म कॉमा सी के टर्म। तो ये आपको यहां से बिल्कुल स्पष्ट दिख जाएगा। तीन के लिए जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे, तीन टर्मों के लिए, तीन समुच्चयों के लिए, तीन सेटों के लिए, तीन समुच्चयों के लिए जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो वो इस प्रकार से बनेगा। इस वेन डायग्राम में जो ब्लैक मार्कर से मैंने हाईलाइट किया है, ये वो चीज होगी जो वेन डायग्राम में नहीं होगी। टोटल जो है ये आयत, इसका मान 100% होगा। इस 100% में से ये जो वेन डायग्राम में, जैसे मान के चलो क्या चीज नहीं होगी, जैसे एक चुनाव हो रहा है, एक एग्जांपल छोटा सा समझ लो, एक चुनाव हो रहा है, उसने कहा कि 10% ने भाग नहीं लिया, मतलब चुनाव में भाग न लेने वालों को ब्लैक मार्कर जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, तो चुनाव में भाग लेने वालों को ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। ए में कितने, ए में भाग लेने वाले, चुनाव बी में भाग लेने वाले, चुनाव सी में भाग लेने वाले। उसके बाद जो रेड से हाईलाइट हो रहा है, ये जो सबसे बीच वाला पार्ट है, रेड वाला, ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें ए बी और सी तीनों 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 में जो कॉमन है वो इसमें आएगा, ए बी एंड सी तीनों में जो कॉमन है वो इसमें आएगा। और जो ब्लू मार्कर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उस भाग को दिखा रहा है, ये वाला उस भाग को दिखा रहा है जिस भाग में ए और बी या बी और सी और सी और ए होंगे। जैसे ये वाला जो भाग है, ये ए का सर्कल है, ये बी का सर्कल है, तो ये ए और बी का होगा। ऐसे आप ओवरलैप देखो कौन सा सर्कल कौन से पे हो रहा है, तो ये रेड वाला सर्कल ब्लैक वाले पे ओवरलैप हो रहा है यहां पर, इसका मतलब ये सी और ए का होगा। ऐसे यहां पर ब्लू वाला जो सर्कल है वो रेड वाले पर ओवरलैप हो रहा है, इसका मतलब ये बी और सी का कॉमन भाग होगा। रेड वाले पर तीनों सर्कल आ रहे हैं, देखो सी का भी सर्कल जा रहा है यहां पर, बी का भी सर्कल आ रहा है यहां पर, और ए का भी सर्कल आ रहा है, तो ये तीनों का हो गया। लेकिन यहां पर देखो ओनली ए है, बी का सर्कल यहां तक नहीं आ रहा, यहां पर ओनली बी है, ऐसे यहां पर सी है। तो जो ग्रीन मार्कर से मैंने लिखा है वो इंडिविजुअली अकेले ए और बी सी के टर्मों को दर्शाएगा, और जो मैंने ये ग्रीन से लिखा है, सॉरी ग्रीन से जो है लिखा है, ये आपका अकेले ओनली को दर्शाएगा, ये वाला जो है बोथ मतलब दो को दर्शाएगा, और ये वाला ऑल थ्री को दर्शाएगा। रेड मार्कर ऑल थ्री को दर्शा रहा है, ब्लू मार्कर जो है दो को दर्शा रहा है, और ये ग्रीन वाला मार्कर ओनली एक को दर्शा रहा है। ये बात समझ में आई। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे ये बात और क्लियर आपको समझ में आएगी। इसके लिए एक फॉर्मूला और लिख लें प्यारे विद्यार्थियों, ये वाली बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो इसके लिए एक फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कैसे बना फॉर्मूला, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, वो बिल्कुल वेन डायग्राम से बना। फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है अगर आपको वेन डायग्राम का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा उसको वेन डायग्राम से प्रूव करके भी आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला किस प्रकार से प्रूव हुआ है, किस प्रकार से आया है। तो पहले आप एक एग्जाम्पल से इन चीजों को समझ लो। जैसे मान के चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान के चले कोई एक सेट है ए, एक सेट है बी, बिल्कुल ध्यान से समझना, एक सेट है सी। ए सेट में कुछ टर्म है, ऐसे ही बी सेट में कुछ टर्म है, और ठीक उसी प्रकार सी सेट में कुछ टर्म है। ए में मान के चलो वन है, टू है, थ्री है, फोर है और फाइव है। बी सेट में आपका टू है, थ्री है और सिक्स है, सेवन है और एट है, ठीक है। और सी टर्म में आपका फोर है, थ्री है और इलेवन है, टेन है और ट्वेल्व है और फिफ्टीन है। इस प्रकार से ये तीन सेट हैं। अब इन तीन सीटों के लिए, इन तीन सेटों को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मैंने आपको बताया है कि तीन के केस में हमेशा वेन डायग्राम आपको किस प्रकार से बनाना है। सबसे पहले हम बनाएंगे रेक्टेंगल, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ये रेक्टेंगल हो गया, ये 100% वैल्यूज को दर्शा रहा होगा, 100% मान को दर्शा रहा होगा। उसके बाद हमें इसमें तीनों के लिए अलग अलग, मतलब ए के लिए अलग बनाना पड़ेगा, तो मैंने बना लिया ए के लिए वेन डायग्राम। ऐसे ही बी के लिए वेन डायग्राम अलग बनाना पड़ेगा, मैंने बी के लिए बना लिया, ये बन गया। ऐसे ही सी के लिए हमें वेन डायग्राम अलग बनाना पड़ेगा, तो देखो मैंने सी के लिए अलग बना लिया। बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे समझना बात चीज को, ये मैंने बना लिया भाई सी के लिए, ठीक है, ये बन गया। अब इन पे मैं लिख लेता हूं, ये ए का हो गया, रेड मार्कर से जो वेन डायग्राम है ये बी का हो गया, और ग्रीन मार्कर से जो वेन डायग्राम है ये सी का हो गया। अब उसके बाद इसमें आप देख देख के खुद बताएंगे मुझे कि कौन सा भाग किसका है। आप देखिए,
आप देखिए इस वाले भाग में ओनली ब्लू के अलावा आपको रेड और ग्रीन कुछ दिख रहा है। अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, अगर मैं इस वाले भाग को ए वाले को टोटल को हाईलाइट करूं, तो देखो ए वाला कहां तक जाएगा ये देखना। तो ए वाले में आप लाइनों को देखें, लाइनें कहां तक जा रही हैं। तो ए जो समुच्चय है उसका ये है टोटल। ऐसे ही बी को मैं हाईलाइट करूंगा तो बी की लाइनें देखेंगे कहां तक जा रही हैं। तो बी को देखो मैं हाईलाइट करता हूं तो देखो बी की लाइनें कहां तक जा रही हैं। इस वाले हिस्से में जा रही हैं। ऐसे ही ग्रीन की लाइनें देखेंगे कहां तक जा रही हैं। तो ग्रीन वाले में ये 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 ये, अब उसके बाद देखिए आप ये कहां तक जा रही है, देखो ये वाला ये। अब आपको यहां से देखकर बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि जहां पर केवल ये ब्लू लाइनें हैं, यहां पर रेड और ग्रीन नहीं आ रही हैं। इसका मतलब यहां तक का जो भाग है वो केवल ए वालों का होगा, ओनली ए वालों का, ठीक है। यहां पर जो लाइन जा रही है इसका मतलब इसका एरिया कहां तक है वो चीज को दर्शा रही है। ऐसे देखो जहां तक ये केवल रेड लाइन जा रही है वहां तक जो है वो ओनली बी को दर्शा रहे हैं, केवल बी को दर्शा रहे हैं। ऐसे ही जहां तक केवल ग्रीन लाइन जा रही है, ओवरलैप नहीं कर रहा, मतलब यहां तक ये जो है ये ओनली सी का हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो इस वाले भाग को, इधर वाले भाग में देखो लाल लाइनें भी आ रही हैं और ब्लू लाइनें भी आ रही हैं। इसका मतलब इस अगर भाग की मैं बात करूं, इस वाले की यहां तक बात करूं जहां पर लाल और ब्लू आ रही है, तो ये वाला जो भाग है ये हो जाएगा ए एंड बी बोथ, मतलब ए और बी दोनों का हिस्सा हो जाएगा ये वाला। ऐसे यहां पर जो ग्रीन और रेड आ रही है ये वाला हिस्सा हो जाएगा बी एंड सी बोथ, मतलब बी और सी में जो कॉमन होंगे वो इस हिस्से में आएंगे। ऐसे इस वाले हिस्से की अगर हम बात करें तो इस वाले में ए एंड सी बोथ, मतलब ए और सी में जो कॉमन होंगे वो इस वाले हिस्से में आएंगे। उसके बाद जो लास्ट में बचा उसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूं। देखो यहां पे ग्रीन भी आ रही है, ब्लू भी आ रही है, सब आ रही है। जो मैंने ब्लैक से हाईलाइट किया है ये वाला जो हिस्सा होगा ये सबसे इंपोर्टेंट है, जिसमें तीनों ओवरलैप हो रहे हैं, तीनों आ रहे हैं। इसका मतलब ये वाला हिस्सा होगा ए कॉमा बी एंड सी ऑल, ये तीनों का टोटल होगा। तो ये जो है बीच वाला हिस्सा तीनों का होगा। अब देखो मैं इनके लिए वेन डायग्राम जब बनाऊंगा तो कैसे वैल्यूज पुट करूंगा मैं इनमें, ये देख लेंगे। अब मैं इसके लिए जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिखा है इसके लिए वेन डायग्राम बनाऊंगा, इससे आपको सब समझ में आ गया होगा। ऊपर जो लिखा है इसके लिए जो मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा तो इसमें क्या क्या आएगा ये देखेंगे आप, इसमें क्या क्या आएगा देखो। उसके लिए मैं वेन डायग्राम बना रहा हूं तो तीन सर्किल बनेंगे, वन ए के लिए, दूसरा बी के लिए और तीसरा सर्किल सी के लिए। अब देखो ए का ये हो गया, बी का ये हो गया, सी का ये हो गया। अब उसके बाद ये देखिए कि क्या सबसे पहले जब कभी भी तीन के लिए वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करें आप लोग, तो सबसे पहले उस भाग को देखें जो सबसे छोटा है, मतलब तीनों समुच्चयों में जो चीज कॉमन है सबसे पहले उसको छांटो। तो तीनों समुच्चयों में क्या कॉमन है, तो देखो तीन इस समुच्चय में भी है, तीन इस समुच्चय में भी है और तीन इस समुच्चय में भी है। इसका मतलब तीन तीनों में कॉमन है, उसके अलावा और कोई टर्म तीनों में कॉमन नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल बीच में आ जाएगा तीन, ये तीन का भाग है। उसके बाद देखो ए बी में कॉमन कौन सा है, तो ए और बी में कॉमन देखो, तो ए में दो आ रहा है, बी में भी दो आ रहा है। ऐसे ही ए में तीन आ रहा है, बी में भी तीन आ रहा है, उसके अलावा और कुछ कॉमन है नहीं है। मतलब ए और बी का भाग देखो यहां से लेके यहां तक है, इसमें तीन तो ऑलरेडी आ चुका है। इसका मतलब ओनली ऊपर कितना बचा, दो। तो देखो ए और बी में दो और तीन आ गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ए और बी का दोनों का पता है तो ए और बी में यहां कौन से टर्म आ रहे थे, देखो ए और बी में दो टर्म कॉमन आ रहे थे, एक तो दो कॉमन आ रहा था, एक तीन कॉमन आ रहा था, एक दो कॉमन आ रहा था, एक तीन कॉमन आ रहा था, लेकिन मैंने पर बस एक ही लिखा। क्यों? क्योंकि तीन तो ऑलरेडी इस हिस्से में आ चुका है जो ए और बी में कॉमन है। आप देखो यहां ए और बी का टोटल हिस्सा यही तो है। इसका मतलब अगर तीनों का हम पहले फिल कर देंगे और ए और बी दोनों का पता है तो ऊपर वाले हिस्से में मात्र वो टर्म आएंगे जो इन तीनों में कॉमन नहीं है, यह चीज ध्यान रखनी। मात्र दो आएगा, मतलब इस वाले हिस्से में मात्र दो आएगा, दो और तीन दोनों नहीं आएंगे क्योंकि तीन यहां नीचे आ चुका है। फिर उसके बाद देखो बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में तीन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये वाले हिस्से में कुछ नहीं आएगा, ये वाला हिस्से खाली रहेगा क्योंकि कुछ भी कॉमन ही नहीं है। ऐसे सी और ए में देखो कितना कॉमन है, तो तीन कॉमन है, उसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये वाला हिस्सा भी खाली रहेगा। उसके बाद देखो
ये वाले हिस्से दो खाली रहेंगे, क्यों? क्योंकि बी और सी में मात्र तीन ही कॉमन है, तो इसमें कुछ नहीं आएगा, क्योंकि बी और सी में तीन के अलावा और कुछ कॉमन है ही नहीं। देखो बी और सी में तीन के अलावा और कुछ कॉमन नहीं, इसका मतलब ये हिस्सा खाली रहेगा। ऐसे ही ए और सी में तीन के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, ए और सी में देखो तीन के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हिस्सा भी खाली रहेगा। उसके बाद ए में दो और तीन तो चले गए, बाकी के टर्म कौन कौन से बचे? एक चार पांच, तो इसका मतलब ओनली ए में आ जाएंगे एक चार और पांच। ऐसे ही ओनली बी में देखो दो तीन तो चले गए, कौन सा बचा? छह सात आठ, छह सात आठ यहां आ जाएंगे। ऐसे ही ओनली सी में कौन से आ जाएंगे? तो ग्यारह दस और बारह पंद्रह, ये ओनली सी में आ जाएंगे, ग्यारह ग्यारह दस और बारह और पंद्रह। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो तीन जो है वो तीनों में कॉमन भाग को दर्शा रहा है, दो जो है ए और बी में कॉमन दर्शा रहा है, और दो और तीन ए और बी में कॉमन दर्शा रहे हैं, दो और तीन दोनों ए और बी में कॉमन दर्शा रहे हैं, ओनली दो नहीं दर्शा रहा भाई, ओनली दो जो है इसको निकालने के बाद इस भाग को दर्शा रहा है जो ऊपर मैंने बनाया है, ओनली इस वाले भाग को दर्शा रहा है, जबकि ए और बी में टोटल कॉमन की बात करें तो ए और बी में टोटल कॉमन यहां से लेके यहां तक होगा, ऐसे ही बी और सी में टोटल कॉमन यहां तक होगा, लेकिन ये ओनली थ्री को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से तीन के समुच्चय के लिए हमें वेन डायग्राम इस प्रकार से बनाना है। इसके लिए एक फॉर्मूला और आपको याद रखना पड़ेगा, कि ये फॉर्मूला याद रखना है, यूनियन मैंने बताया था, यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है ये तीनों सर्किलों का कुल भाग ए यूनियन बी होगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन भाग। तो यहां पर एक फॉर्मूला आपको याद रख लेंगे कि एन एन ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू हमेशा बराबर होती है एन ए ए में कितने टर्म है प्लस एन बी बी में कितने टर्म है एन बी और प्लस एन सी में कितने टर्म है इसमें से माइनस करेंगे कौन कौन सा एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे कौन सा एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस करेंगे कौन सा एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस करेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले को अगर आप देखें तो इसका प्रूफ भी आप यहां से देख सकते हैं। एन ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या आएगा? एन ए यूनियन बी यूनियन सी में ये टोटल भाग एक बार आएगा जो सर्किलों में है। उसके बाद एन ए देखेंगे तो एन ए यहां से लेके यहां तक आ जाएगा, एन बी की बात करें तो यहां से लेके यहां तक आ जाएगा, एन सी की बात करें तो ये टोटल हो जाएगा। उसके बाद हम माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में जो कॉमन है, तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, यहां से देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इन तीनों को जोड़ने पर एन ए एन बी और एन सी तीनों को जोड़ने पर ये वाला हिस्सा तो तीन बार आ गया जो बीच वाला है, और ये वाले हिस्से दो दो बार आ गए। इसका मतलब हमें बस ए यूनियन बी यूनियन सी के सब हिस्से को एक एक बार लेना है, तो ये दो दो बार आ गए तो इसको एक एक बार घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा, और एन ए इंटरसेक्शन बी सब में आ रहा है तो इसको एक एक बार घटा देंगे तीनों में, तो तीनों में एक एक बार अगर हम घटा देंगे तो तीन बार ये हिस्सा आया था उसमें फिर से घट जाएगा ये तीन बार, तो इसमें से इसको घटाने पर और प्लस एन ए इंटरसेक्शन मतलब फिर इस हिस्से को एक बार जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा एन ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा। दोबारा से समझेंगे, देखो एन ए इसको मैं हटा देता हूं, तब ओनली फॉर्मूले को बताता हूं, फॉर्मूले को समझाता हूं। देखो तब आप ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है अभी, ये फॉर्मूला लिखा था मैंने एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, मतलब तीनों को एक बार जोड़ेंगे, फिर उसके बाद एन ए और बी में जो कॉमन है उसको घटाएंगे, उसके बाद एन बी और सी में जो कॉमन है उसको घटाएंगे, उसके बाद माइनस एन सी और ए में जो कॉमन है उसको घटाएंगे, प्लस एन ए और बी और सी तीनों में जो कॉमन है उसको एक बार जोड़ देंगे। ये होता है फॉर्मूला। अब ऐसा क्यों होता है वो आपको वेन डायग्राम की हेल्प से पता लगेगा। देखो एक बना लिया, दो बना लिए, ये मान के चलो ए का है और ये मान के चलो बी का है, ऐसी एक और बना लिया, ये मान के चलो सी का है। अब इसकी हेल्प से इस फॉर्मूले को समझना, जैसे बात को ध्यान से समझना बिल्कुल, जैसे एन ए को मैंने लिया, एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, तो
एन ए यूनियन बी यूनियन सी जो है ना वो ये पूरा एक बार आ जाना चाहिए उसमें भाग बस, तो वो एन ए यूनियन बी यूनियन सी होता है, उसमें से कुछ बचना नहीं चाहिए और एक एक बार ही आना चाहिए, रिपीट होना नहीं चाहिए। एन ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है कोई भी चीज बचनी नहीं चाहिए और उसके अलावा एक एक बार ही आनी चाहिए, रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर देखो एक बार इस भाग को लेना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा, इसको 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 इन सबको जोड़ दें तो भी तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी आ सकता है, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसे भी तो आ सकता है कि इस हिस्से को ओनली ए लें, ओनली बी लें, ओनली सी लें, फिर उसमें इन हिस्सों को जोड़ दें तीनों को और एक बार इसको जोड़ दें तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा, मतलब सारे सर्किलों का एक बार मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार से है, इस फॉर्मूले को देखेंगे। एन ए देखो, आपने जैसे ही एन ए को ऐड किया तो आपने कौन सा हिस्सा ले लिया, आपने देखो यहां तक का हिस्सा ले लिया ब्लैक मार्कर से, जो अब जो ब्लैक मार्कर से हाईलाइट हो रहा है ये हिस्सा आपने ले लिया, मतलब यहां तक आपने ले लिया ये, ठीक है। एन ए को ऐड करते ही आपने यहां तक ले लिया, ऐसे ही प्लस आपने एन बी किया तो फिर बी को भी ले लिया, मतलब कहां तक ले लिया आपने, आपने ये वाला हिस्सा भी ले लिया, इसमें पूरा टोटल ये हिस्सा भी ले लिया, देखना ध्यान से ये वाला हिस्सा भी ले लिया। ऐसे ही आपने जैसे ही प्लस एन सी किया तो सी का भी पूरा ले लिया, ये वाला हिस्सा भी ले लिया। अब आप बताइए जब आपने एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी किया है तो ये हिस्सा तो एक एक बार आया है, ओनली ए ओनली बी ओनली सी, लेकिन यहां पर देखो ये वाला हिस्सा कितनी बार आ गया, दो बार, ये वाला हिस्सा कितनी बार आ गया, दो बार, ये वाला हिस्सा कितनी बार आ गया, दो बार, और ये वाला हिस्सा कितनी बार आ गया, बीच वाला तीन बार। इसका मतलब इसमें इस वाली वैल्यू में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी में यहां तक की अगर हम बात करें तो ओनली ए आया है, देखो मैं लिख देता हूं ओनली ए आया है एक बार, और प्लस ओनली बी आया है एक बार, और प्लस ओनली सी आया है एक बार, ठीक है। उसके अलावा ए और बी में जो कॉमन भाग है वो कितने बार आ गया, दो बार आ गया, देखना ध्यान से, मैं ए और बी में कॉमन भाग की बात कर रहा हूं तो ये दो बार आ गया, टू एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसी ही दो बार आ गया बी और सी में, बी और सी में कॉमन भाग भी दो बार आ गया, एन बी इंटरसेक्शन सी, इसी प्रकार दो बार आ गया आपका एन और सी इंटरसेक्शन ए। ध्यान से देखो आपका दो दो बार आया है कि नहीं आया, यहां से इन मार्करों से पता लग जाएगा, रेड मार्कर और ब्लैक मार्कर जहां जहां गए हैं देखो यहां पर दोनों हैं तो दो बार आ गया, ए और बी में कॉमन पार्ट दो बार आ गया, ऐसे ही सी और बी में कॉमन पार्ट दो बार आ गया, ऐसे ही ए और बी में कॉमन पार्ट दो बार आ गया। लेकिन ये वाले हिस्से की अगर हम बात करें, ये वाला हिस्सा, तो इसमें ब्लू वाली लाइन भी जा रही है, ब्लैक भी जा रही है, रेड भी जा रही है, मतलब ये हिस्सा आ गया आपका तीन बार, मतलब ये वाला हिस्सा इस इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला तो आ ही गया, लेकिन ये अब इसमें ऐड कितनी बार हो गया, इंटरसेक्शन दो गुना कर करके ऐड किया है तो टोटल तीन बार आया और इसमें हमने छह बार कर दिया है। इसका मतलब अब ये वाला जो हिस्सा है, ये जो बचा, तो यहां पर तो दो गुना हो नहीं रहा इंटरसेक्शन का, यहां पर तो दो गुना हो नहीं रहा, इसका मतलब ये दो बार में से एक बार अगर ये घटा दे फॉर्मूले में जो दिया है, तो अगर ये एक बार घटा देंगे तो ये दो सम में से हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, तो ये दो सम में से हट जाएगा, तो ये घटाने तक की वैल्यू ये हो गई, ये घटा दिया हमने एक एक बार तो बस एक एक बार बच गया, दो दो बार से चला गया, अब कितने बार बच गया, ये एक एक बार बच गया, एक एक बार बच गया। अब इसके आगे इसने प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्यों किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि ये वाला हिस्सा देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब तीनों में आ रहा है, और जब इसमें से हमने एक बार इसको घटाया तो तीनों में से ये हिस्सा निकल गया, इसका मतलब ये वाला हिस्सा इसमें से निकल गया, खाली हो गया, अब ये हिस्सा और चाहिए, ये हिस्सा और चाहिए, तो इसको एक बार फॉर्मूले में जोड़ना पड़ेगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये करना पड़ेगा तभी तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी, तभी तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी। तो ये फॉर्मूला हमारा इस प्रकार से आया, वेन डायग्राम से ही ये फॉर्मूला बना है। तो आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करने में इस फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी, तो ये याद रखें, क्या याद रखें कि ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब तीनों का टोटल भाग जो है वो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस दोनों में कॉमन कॉमन घटेगा और तीनों में कॉमन जुड़ेगा, इसके बराबर होता है, बस ये याद रखना है, ठीक है। प्रूफ कैसे है वो मैंने आपको बता दिया कि इस फॉर्मूले को कहां से आया, वो मैं आपको बता चुका हूं कैसे आया ये फॉर्मूला, ठीक है भाई। अब चलते हैं तीन वेन डायग्रामों से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर आधारित पहला क्वेश्चन देखेंगे। एक सोसाइटी में 1000 लोग रहते हैं,
45% क्रिकेट खेलते हैं, 29% हॉकी खेलते हैं, 48% बैडमिंटन खेलते हैं, 18% लोग कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, जबकि 5% लोग तीनों खेल खेलते हैं, या 6% लोग क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, तो सिर्फ बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या बताइए। तो जब कभी भी आपको यहां से पता लगेगा कि इसमें समुच्चय कितने होंगे, तो क्रिकेट खेलने वाले होंगे एक हो गया समुच्चय, हॉकी खेलने वाले होंगे दो समुच्चय हो गए, और बैडमिंटन खेलने वाले, मतलब तीन समुच्चय पर आधारित क्वेश्चन है। ये कैसे पता लगेगा आपको वेन डायग्राम तीन के लिए बनाना है चार के लिए, तो वो यहां से पढ़ के, क्रिकेट वाले चाहिए हमें, बैडमिंटन हॉकी वाले चाहिए और बैडमिंटन वाले चाहिए, मतलब तीन खेल है तो इसका मतलब तीन समुच्चय बनेंगे तीनों के लिए अलग अलग। तो तीन का वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा देखना, मैं इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम ही वेन डायग्राम में सॉल्व कर दूंगा। देखो मैंने सबसे पहले तीन के लिए वेन डायग्राम बनाया, तीन के लिए वेन डायग्राम कैसे बनेगा वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। सबसे पहले रेक्टेंगल बनाएं, क्योंकि रेक्टेंगल का जो मान होता है वो 100% होता है, 100% मान होता है रेक्टेंगल का। उसके बाद इसमें तीन खेल खेले गए हैं, क्रिकेट हॉकी और बैडमिंटन, तो उन तीनों के लिए चाहिए हमें, तीनों के लिए वेन डायग्राम चाहिए, तो तीनों के लिए बना लेते हैं भाई। पहले क्रिकेट, इसमें मान के चलो क्रिकेट वाले आएंगे, उसके बाद बैडमिंटन, तो इसमें मान के चलो हॉकी वाले आएंगे, ठीक है, इसमें मैं एच बना देता हूं, ये हॉकी वाले हो गए, और उसके बाद हॉकी के बाद तीसरे बचे आपके बैडमिंटन वाले, तो बैडमिंटन पे मैं बी बना देता हूं, ठीक है, इसी से पता लग जाएगा, और क्रिकेट वालों पे मैं सी बना देता हूं, क्रिकेट वाले ये हैं। अब उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है ये कौन सा होगा, फिर आप कहेंगे कि सर इन वेन डायग्राम के बाद जो इसमें ये भाग बाद में आयत में बच रहा है ये कौन से होंगे, ये वो होंगे जो इनमें से कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, जो खेल में भाग नहीं ले रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इन तीनों वेन डायग्रामों के बाद जो इस आयत में बाहर जगह बसती है, आयत का मान कितना होता है 100%, आयत में जो बाहर जगह बसती है ये वो होते हैं जो वेन डायग्राम में वैल्यू दी है उसमें इनका कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब वेन डायग्रामों में हम खेलने वालों के लिखेंगे, तो इसका मतलब यहां पर आएंगे ना खेलने वाले। तो देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा है यहां पर 18% लोग कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। देखो मैं हाईलाइट कर देता हूं, यहां ने इस पर इस वाली चीज को देखेंगे, 18% लोग कोई भी खेल नहीं खेलते, इसका मतलब 18% ऐसे हैं जो कोई खेल नहीं खेलते हैं। तो इन 18% की जो जगह होगी, इन 18% की जो जगह होगी वो कौन सी होगी, तो वो इस आयत में इन सर्किलों से बाहर जो जगह वो होगी। मेरे कहने का मतलब ये जो ना खेलने वाले 18% लिखेंगे, हाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भाग नहीं ले रहे हैं सर्किल में वो जो है वो हमेशा आपको इसके बाहर लिखने हैं। तो 18% ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, टोटल 100% में से 18% कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। हो गया, ये वाली वैल्यू लिख ली हमने। उसके बाद इंडिविजुअल पता है 45% क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलने वाले 45% पहले ऊपर लिखने होंगे, क्योंकि इसमें तो ओनली क्रिकेट वाले आएंगे, तो ये केवल क्रिकेट वाले तो है नहीं, पूरे क्रिकेट वाले हैं, तो इसलिए इसको 45% को ऊपर लिखना पड़ेगा। तो क्रिकेट खेलने वाले हो गए 45%, और 29% हॉकी खेलते हैं, तो हॉकी खेलने वाले हो गए 29%, ठीक है, और क्रिकेट खेलने वाले बैडमिंटन खेलने वाले हैं 48%, मतलब 48% खेलते हैं बैडमिंटन, वो हो गई, ठीक है, 48% बैडमिंटन वाले हो गए, 18% कोई खेल नहीं खेलते, जबकि 5% तीनों खेल खेलते हैं। तो जब कभी भी आप ये वेन डायग्राम तीन के केस में फिल करें, तीन के केस में जब कभी भी आप ये वेन डायग्राम फिल करेंगे, तो वेन डायग्राम फिल करते समय सबसे अंदर वाला, मतलब तीनों में कॉमन भाग को आपको सबसे पहले भरना है, तीनों में कॉमन भाग को सबसे पहले भरना है। तो तीनों में कॉमन भाग कौन सा है, 5% लोग तीनों खेल खेलते हैं, इसका मतलब बीच वाली जो वैल्यू है वो 5% होगी, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 5%। अब उसके बाद यदि 6% लोग क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट और हॉकी 6% खेलते हैं, तो उसमें से 5% यहां आ गए, तो कॉनली ऊपर कितने बचे, तो 6% में से 5% को घटाकर ऊपर बचे 1%, मात्र 1% ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी ही खेलते हैं, तीनों गेम खेलते नहीं है। तो आपको
एक चीज का ध्यान रखना है, जब दो दो वाले कॉमन दिए हों, जैसे 6% लोग क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, तो उसमें से तीन वाले को घटाकर ऊपर लिखना है। क्यों? क्योंकि तीनों वाला जो हिस्सा है ना, वो भी हॉकी और क्रिकेट में आ रहे हैं। देखो, हॉकी और क्रिकेट में ये वाला हिस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उसने जो क्रिकेट और हॉकी वाले दोनों खेलने वाले जो दिए हैं, वो वाला भाग देखो, ये टोटल है, ये टोटल है। देखो एक बार देख लो, आपको स्पष्ट दिखेगा। तो देखो, क्रिकेट और हॉकी वाला ये टोटल भाग है, और ये टोटल 6% है, इसमें से 5% ये, तो ऊपर कितना बचेगा? 1% बचेगा। इसलिए मैंने इसको 6 में से 5 को घटाकर लिखा है, ठीक है। उसके बाद हॉकी दोनों खेलते हैं, 27% क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, 27% क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, तो 27 में से 5 को घटाकर 22% इधर बच जाएंगे, ठीक है, 22% इधर बच जाएंगे। उसके बाद उसने कहा है, तो सिर्फ बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या बताइए। मतलब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है, भाई रेड जोन क्या है? रेड जोन ये है, ये चीज हमें बतानी है क्वेश्चन में, ठीक है, ये वाली चीज बतानी है, ये वाली। इसका मतलब ये वाली चीज मैं तभी बता सकता हूं जब मुझे कैसे भी करके इस वाली वैल्यू का मान पता लग जाए, क्योंकि अगर मुझे इस वाली वैल्यू का मान नहीं पता होगा तो मैं ओनली बैडमिंटन वाले नहीं बता सकता, ओनली क्रिकेट वाले तो मैं यहां से बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि क्रिकेट में टोटल जो है कितने, 45%, उसमें से 22, 5 और 1, ये टोटल को जोड़ दें तो कितना हो गया, 28%। अगर 45 में से मैं घटा दूंगा तो ओनली क्रिकेट वाले आ जाएंगे, तो 45% में से 28% को घटाएंगे तो 45 माइनस 28%, क्योंकि देखो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा 5%, 1%, 22%, ये सी में आ रहा है, मतलब क्रिकेट खेलने वालों में आ रहा है, तो इसको घटाना पड़ेगा, तभी तो ओनली सी वाले आएंगे। मतलब अब हमें केवल यहां तक निकालना, केवल यहां तक का हिस्सा, ओनली सी वाले कैसे निकलेंगे, तो टोटल क्रिकेट खेलने वालों में से इन तीनों को घटा देंगे, तो इन तीनों को घटा देते हैं, तो इन तीनों को घटा दो, तो 45 में से 28 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17% आ जाएंगे ओनली क्रिकेट वाले, ओनली क्रिकेट वाले आ गए 70%। अगर इसने हमसे क्वेश्चन में ओनली क्रिकेट वाले पूछे होते तो मैं बहुत जल्दी आंसर कर देता, लेकिन हमें ओनली क्रिकेट वाले नहीं, ओनली बैडमिंटन वाले पूछे, तो उसके लिए हमें इस हिस्से का मान निकालना पड़ेगा। अब आ जाएंगे फॉर्मूले पर। तो देखो, आप ये बताइए कि इन तीनों वेन डायग्रामों का कुल मान क्या होगा, तो 100% जो टोटल मान है, इसमें से अगर मैं 18% ये ब्लैक को हटा दूं, तो बाकी का जो बचेगा वो ओनली क्रिकेट हॉकी, मतलब इन वेन डायग्रामों का मान बचेगा कि नहीं बचेगा, तो इस 100% में से 18% को अगर मैं घटा दूंगा तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी, उसका मान निकल के आ जाता है। तो 100% में से माइनस कर देंगे, 100% में से माइनस कर देंगे 18% को, तो इसका मान हमारा आ जाएगा 82%, मतलब 82% ऐसे हो जाएंगे जो कोई ना कोई खेल अवश्य खेलते हैं, ये 82% ऐसे हो जाएंगे जो कोई ना कोई खेल अवश्य खेलते हैं, मतलब इन सभी वेन डायग्रामों का जो टोटल मान है वो 82% के बराबर होगा, 82% के बराबर होगा। क्वेश्चन को जरा हटा के खाली स्लाइड लगाइएगा, बस देखो अब इधर समझ लो इन चीजों को। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, क्वेश्चन में से सारी चीजें हमने कॉपी कर ली हैं, बस यहां पर फॉर्मूला लगाना है। तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी कितना हो गया, 82%। फॉर्मूले को लिखना नहीं है भाई, फॉर्मूला माइंड में रहना चाहिए, बस यहां पर टर्म लिखने हैं, तो 82% हो गया। फिर एन ए एन बी एन सी तीनों को एक बार जोड़ेंगे तो कितना है, 45% को हटा देते हैं, सीधा करते हैं, 82 है टोटल, 82%, बस ध्यान रखें कि यहां परसेंटेज है। उसके बाद ओनली सी वाले कितने हैं, ओनली वालों को एक बार, तीनों को एक बार जोड़ लेंगे फॉर्मूले के अनुसार, ए एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों वेन डायग्रामों का कुल मान 82 हमने यहां से निकाल लिया, इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, 45 क्रिकेट वाले हैं प्लस 29 हॉकी वाले हैं प्लस और 48% ये हैं बैडमिंटन वाले, में से माइनस करेंगे दोनों में कॉमन, तो ए और बी में कितने, 5 और 1, 6 हमें दिया है उसने, ठीक है चलो परसेंट लगा लेते हैं छोटा छोटा सबके आगे, तो ओनली बी वाले कितने हैं, 6%, ए और बी वाले, क्रिकेट और हॉकी वाले 6% हैं, ऐसे ही बैडमिंटन और क्रिकेट वाले 22 और 5 कितने, 27, वो भी घटेगा, दो दो वाले, दो दो में कॉमन हमेशा घटता है, और एक एक वाले जुड़ते हैं। उसके बाद लास्ट में हमें यह नहीं पता कि इसमें क्या होगा, इसका मतलब इस टोटल, मतलब हमें यह नहीं पता कि ऐसे लोग कौन कितने हैं जो बी और हॉकी मतलब दोनों खेलते हैं, इसका मतलब इसका मान हमें निकालना है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एन
और दोनों में कॉमन, मतलब हॉकी में और बैडमिंटन में, तो हॉकी और बैडमिंटन है, हॉकी इंटरसेक्शन बैडमिंटन, इस चीज को आप चाहें तो इसको आप एक्स भी मान सकते हैं, अगर आपके माइंड में पता हो कि ये कौन सा भाग है। तो मैंने एक्स जो माना है ना वो ये वाला टोटल भाग है, ये वाला, ये टोटल भाग को मैंने एक्स माना है, मतलब हॉकी और बैडमिंटन खेलने वाले लोग। फिर प्लस कर दो तीनों में कॉमन, तो तीनों में कॉमन कितने हैं, तो पांच। अब यहां से एक्स का मान हमारे पास आ जाएगा, तो देखो कैसे आ जाएगा, 82 बराबर होगा 42, 45, 29 में से 27 गया तो कितना बचेगा, 2 प्लस, यहां पर 5 जो ये प्लस है और माइनस का 6 है, इसका मतलब माइनस का 1 बचेगा और माइनस 1 इसमें से करेंगे तो 45 में से तो 44 बचेगा और प्लस कितना हो जाएगा 48, और प्लस माइनस x ये हो गया, ये वाली चीज हो गई। उसके बाद देखो आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 82 बराबर 2 और 48 50 और 94 माइनस एक्स, एक्स को इधर लेके आएंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 94 माइनस 82 और 82 को 94 में से माइनस करेंगे तो 12% ऐसे हो जाएंगे, 12% ऐसे हो जाएंगे, 12% ऐसे हो जाएंगे जो बैडमिंटन और हॉकी दोनों खेलते हैं, 12% हो जाएंगे, 12% में से 5% यहां है तो यहां कितने बचेंगे, 12% ऐसे हो जाएंगे जो बैडमिंटन और हॉकी दोनों खेलते हैं, 5% उनमें से गए तो यहां कितने बचेंगे, 7%। अब बता दो ओनली बैडमिंटन वाले कितने हो गए, ओनली बैडमिंटन वाले बताओ भाई कितने हो गए, तो ओनली बैडमिंटन वाले निकालेंगे तो 48 में से 22 और 5 कितना हो गया 27, 27 और 7 कितना हो गया 34, 34 इसमें से हम माइनस कर देंगे तो 48 में से 34 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 14% ओनली बैडमिंटन खेलेंगे, ये निकल के आ जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन लगाइए जरा फर्स्ट, अब मैं इसको मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं भाई, देखो उसने पूछा है बताइए सिर्फ बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या क्या है और 1000 लोग हैं, 1000 लोग हमें पहले ही दिया है, मतलब 100% का मान हमें पहले ही दिया है, हमें उसने कहा है कि जो टोटल हैं वो 1000 लोग हैं और हमने निकाला है कि केवल बैडमिंटन 14% खेलते हैं, तो इसका मतलब 1000 का 14% मान, 14/100 तो कितना हो जाएगा 140, 140 कौन से ऑप्शन पे है, 140 ई ऑप्शन पे हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो 140 ऐसे होंगे जो सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या कितनी आ जाएगी 140। तो तीन वाले क्वेश्चनों को वेन डायग्राम तीन से रिलेटेड, ओनली हॉकी वाले पूछा होता तो ओनली हॉकी वाले कैसे निकालते, 7 और 5 12 और 1 13 इसमें से घटा दो, तो 13 को इसमें से माइनस करेंगे तो ओनली हॉकी वाले कितने हो जाएंगे 16%। अब देखो मैं यहां से आपको डिस्क्राइब करके एक बार बता देता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, 17% केवल क्रिकेट खेलने वाले होंगे, 1% क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले होंगे जो तीनों गेम नहीं खेलते हैं, और 5 और 6% जो होंगे वो क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले होंगे, 22 और 5 27% क्रिकेट और बैडमिंटन खेलने वाले होंगे, 7 और 5 12% हॉकी और बैडमिंटन खेलने वाले होंगे, 5% तीनों गेम खेलने वाले होंगे, 14% केवल बैडमिंटन खेलने वाले होंगे, और बैडमिंटन खेलने वाले 48, हॉकी खेलने वाले 29 और 45% क्रिकेट खेलने वाले, 18% कोई भी गेम ना खेलने वाले जो इसमें भाग ही नहीं ले रहे हैं वो होंगे यहां, और 100% होंगे टोटल, टोटल 100% का मान भी मैं इसके बराबर रख सकता हूं, 100% 1000 तो 1% कितना हो गया, 1% हो गया 10, 14% निकालेंगे तो 140 हो जाएंगे ओनली बैडमिंटन वाले, ओनली हॉकी वाले हो जाएंगे 160, ओनली क्रिकेट वाले हो जाएंगे 170, हॉकी खेलने वाले आ जाएंगे 290, ऐसे ही तीनों खेलने वाले हो जाएंगे 50, और ऐसे ही हॉकी और क्रिकेट खेलने वाले हो जाएंगे 120, मतलब कहीं भी रख दो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर, तो चलते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज देखेंगे आप क्लास का सेकंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन है, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराया उसी पर आधारित है। देखो, एक कॉलेज के सर्वे में पता चलता है कि 49% गणित पढ़ना पसंद करते हैं, 49% मैथ्स पढ़ना पसंद करते हैं, 52% भौतिक विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं, 52% भौतिक विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं, 50% रसायन शास्त्र पढ़ना पसंद करते हैं, तथा 20% गणित और भौतिक विज्ञान दोनों पढ़ना पसंद करते हैं,
21% गणित और रसायन शास्त्र दोनों पढ़ना पसंद करते हैं, 23% भौतिक विज्ञान तथा रसायन शास्त्र दोनों पढ़ना पसंद करते हैं, 5% लोग ऐसे हैं जो तीनों में से कोई भी विषय पसंद नहीं करते हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत जो गणित भौतिक विज्ञान तथा रसायन शास्त्र में से किसी एक को पढ़ना पसंद करते हैं। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऐसे कैंडिडेट बताइए जो गणित भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र में से किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना पसंद करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है, इंडिविजुअली मैथ को जितना पढ़ना पसंद करते हैं वो दिया है, इंडिविजुअली भौतिक विज्ञान को पढ़ना जो पसंद करते हैं वो दिया है, इंडिविजुअली रसायन शास्त्र को। तो पहले जो डाटा है इसको हम लिख लेते हैं। तो तीन सब्जेक्ट हैं यहाँ पर भाई, तीन सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, एक मैथ्स है जिसको मैं एम से लिख लेता हूँ, एक फिजिक्स है पीएस से लिख लेता हूँ, और एक केमिस्ट्री है रसायन शास्त्र इसको सीएस से लिख लेता हूँ। मैथ पढ़ना कितना पसंद करते हैं, 49% मैथ पढ़ना पसंद करते हैं, तो 49% मैथ वाले हो गए भाई, ठीक है। उसके अलावा 52% भौतिक विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं, 52% ये हो गए भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी, 52% हैं इसमें दिया है भौतिक विज्ञान पसंद करते हैं, 50% रसायन शास्त्र पसंद करते हैं, मतलब ये वाले जो हैं ये 50% है। बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। फिर उसके बाद इसने कहा है कि 20% गणित और भौतिक विज्ञान दोनों पसंद करते हैं, तो गणित और फिजिक्स दोनों को कितने करते हैं, 20%। ये मैं डाटा लिख रहा हूं, फिर क्वेश्चन को उठा के इधर सॉल्यूशन करा दूंगा, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इधर जगह कम है। फिर देखो, फिर उसने कहा 21% गणित और रसायन शास्त्र, तो गणित और रसायन शास्त्र कितना पसंद करते हैं, गणित और रसायन शास्त्र 21% पढ़ना पसंद करते हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री 23%, भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र तो ये दोनों जो हैं ये 23% है, ये वाली चीज हमको दी है। उसके बाद उसने लास्ट में दिया कि 5% कुछ भी पसंद कर नहीं करते, मतलब 5% ऐसे हैं जो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, वो कौन से हैं भाई, 5% है, ये डाटा दिया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को हटा देता हूं, सॉल्यूशन खाली स्लाइड पर देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तीन वेन डायग्राम, देखो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो उसमें हमें कितने सेटों की आवश्यकता होगी। तो यहां पर भौतिक विज्ञान, मैथ और केमिस्ट्री तीन सब्जेक्ट हैं, इसका मतलब हमें तीन समुच्चयों की आवश्यकता होगी। तो तीन समुच्चयों के लिए वेन डायग्राम किस प्रकार से बनाते हैं, तो एक क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूं, अब सारी चीजें मैं आपको वेन डायग्राम पे ही बताऊंगा, कोई भी फॉर्मूला बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमें चीजों को फास्ट करना है, जल्दी करना है, जल्दी करने के लिए आपको डायरेक्ट ही चीजों को समझना पड़ेगा। तो देखो, वेन डायग्राम में एक जो वेन डायग्राम है वो मैथ्स के लिए होगा, एक जो सेट है वो मैथ्स के लिए होगा, एक सेट हमारा फिजिक्स के लिए होगा, और जो एक सेट है, ये जो एक सेट है ये हमारा केमिस्ट्री के लिए होगा। ये मैंने तीन वेन डायग्राम बना लिए, ठीक है, बात को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। तो ये जो है, जो ब्लैक सर्किल है, ये मैथ्स पसंद करने वाले लोगों को दर्शा रहा है, और ये जो ब्लू सर्किल है, जो नीला वाला सर्किल है, ये आपका फिजिक्स पसंद करने वाले लोगों को दर्शा रहा है, और आपका जो रेड सर्किल है ये केमिस्ट्री पसंद करने वाले लोगों को दर्शा रहा है। अब उसके बाद इसका परसेंटेज हमको दिया है, उसने कहा है मैथ 49% पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस काले सर्किल की टोटल वैल्यू, कुल वैल्यू 49% होगी, तो उसको लिखेंगे इधर, 49% मैथ्स पढ़ना पसंद करते हैं। ऐसे ही जो ब्लू सर्किल है ये फिजिक्स का है, तो फिजिक्स कितना, 52%, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की कुल वैल्यू जो है, यहां से लेके यहां तक की कुल वैल्यू 52% होगी, 52% फिजिक्स पढ़ना पसंद करते। तो ये जो 52% है ना, वो यहां से लेके टोटल होगा, ये टोटल होगा, उसमें ये वाला भाग भी शामिल होगा, ये वाला भाग भी शामिल होगा, और ये वाला भाग भी शामिल होगा। ऐसे 49% ये टोटल होगा ब्लैक वाला सर्किल, जिसमें ये वाला भाग भी होगा, ये भाग भी होगा, ये भाग भी होगा, और ये भाग भी होगा। ऐसे ही केमिस्ट्री वाले कितने हैं, तो केमिस्ट्री वाले आप कहेंगे कि सर केमिस्ट्री वाले हैं 50%, ये हमको डाटा दिया। उसके अलावा उसने कहा है कि 5% ऐसे हैं जो कोई भी सब्जेक्ट, तो जब कभी भी तीन वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो उस केस में सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले हमें ये वाला भाग पता चलना चाहिए कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी, कितने परसेंट विद्यार्थी ऐसे हैं जो तीनों विषयों को पढ़ना पसंद करते हैं। जब तक हमें यह पता नहीं लगेगा तब तक हम ये जो 21%, 23%, 20% इसका कोई भी प्रयोग नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें यह पता लगना चाहिए कि मेरे कहने का मतलब तीन सेट हो या दो सेट हो, सबसे पहले डाटा आपको
छोटे भाग का भरना है, कॉमन भाग का भरना है। तो इन तीनों में कॉमन भाग का डाटा ये है, इसको भरना है और वो हमें पता नहीं है, तो वो पता नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालना पड़ेगा? उसने स्पष्ट कहा है कि 5% ऐसे हैं जो कोई भी विषय में इंटरेस्ट नहीं लेते, इसका मतलब 5% किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते, वो रहेंगे बाहर। मैं इसको एक रेक्टेंगल के जरिए जो है टोटल दर्शा सकता हूं, तो रेक्टेंगल की जो टोटल वैल्यू होगी प्यारे विद्यार्थियों, ये अगर रेक्टेंगल मान लें तो इस रेक्टेंगल की टोटल वैल्यू जो होती है वो 100% होती है। इसमें ये 5% कौन से, ये 5% इन सर्किलों के बाहर वाला जो क्षेत्र बचा, इन सर्किलों के बाहर वाला जो एरिया बचा वो 5% है। तो इन सर्किलों के बाहर वाला जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? वो एरिया है जो सर्किल जिस चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं उससे उनका कोई मतलब नहीं है। जैसे यहां पर ये तीनों सर्किल मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट लेने वाले छात्रों को दर्शा रहा है, जबकि 5% कैसे हैं कि वो किसी में भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इसका मतलब इन सर्किल में इनका हिस्सा नहीं है, इनका हिस्सा इन सर्किल से बाहर है। तो ये 5% हो गए। इसका मतलब इन सर्किलों में टोटल भाग लेने वाले विद्यार्थी क्या होता है? यूनियन होता है। मैंने यूनियन बताया था आपको कि यूनियन क्या होता है, यूनियन होता है पूरा ये सर्किल में जितना भी भाग है वो। तो हम क्या करेंगे कि अगर मैं 100% में से इस 5% को घटा दूं तो बाकी इन सर्किलों का टोटल मान आ जाएगा, तो 100 में से 5% को माइनस करेंगे तो 95% मान हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी का। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ये 95% क्या है, 95% इसका टोटल मान है, उसमें ये वाला भाग भी है और ये वाला भाग भी है, ये वाला भाग भी है, सारे भाग हैं, ये वाले भाग एक एक बार, ये वाले भाग एक एक बार और ये भाग एक बार, यूनियन है ये। जब कभी भी हम टोटल 100% में से जो भाग नहीं ले रहे मतलब इसको घटा देंगे तो केवल जो सर्किलों वाला हिस्सा बचा है इसका मान आ जाएगा, और जो सर्किलों वाले हिस्सों का जो मान होता है वही यूनियन होता है। यूनियन का मतलब इन सब का जोड़ 95% है। अब मैंने आपको फॉर्मूला बता चुका हूं पहले ही, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है पहले ही, क्या बताया है, बताया है कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी ये वाली वैल्यू बराबर होती है एन ए एम ए कितने टर्म है प्लस एन बी बी में कितने टर्म है प्लस एन सी सी में कितने टर्म है माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में कॉमन क्या है, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या है, माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, सी और ए में कॉमन क्या है, और लास्ट में प्लस कर देते हैं तीनों में कॉमन भाग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला मैं आपको करा चुका हूं। तो यहां से हमें क्या निकालना है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकाला, 100% में से 5 को घटा दिया तो इन सर्किलों का टोटल भाग ही तो यूनियन होता है, तो 95% आ गया। अब हमें एन ए एन बी एन सी मतलब हमें पता है मैथ में कितने हैं भाई, मैथ में कितने हैं 49%, ये हमें पता है, प्लस उसके बाद फिजिक्स में कितने हैं 52%, ये हमें पता है, उसके अलावा केमिस्ट्री में कितने हैं 50%, ये हमें पता है, उसके अलावा हमें इंटरसेक्शन भी पता है। देखो मैथ और फिजिक्स में 20%, तो ये माइनस हो जाएगा 20%, ऐसे ही माइनस हो जाएगा 23%, 23% ऐसे ही माइनस हो जाएगा 21%। देखो इंटरसेक्शन दिया है मैथ और फिजिक्स में 20% इंटरेस्ट लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में 23% इंटरेस्ट लेते हैं, और यहां पर दिया था 21% जो मैथ और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट लेते हैं, ये दिया है, और तीनों में कॉमन हमें निकालना है, तो उसको मैं मान लेता हूं एक्स, उसको मैं अपनी तरफ से एक्स लेट कर लेता हूं, तो जो एक्स का मान है वो तीनों में कॉमन का मान होगा, ठीक है। तो यहां से करेंगे, देखो 95% यहां से अगर मैं एक्स का मान निकालूंगा तो हमारे पास तीनों ऐसे विद्यार्थी निकल के आ जाएंगे जो तीनों विषयों में इंटरेस्ट लेते हैं, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी। तो 95% देखो 49 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29% हो जाएगा, प्लस 52 में से 23 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेगा, और 4 में से 29% ये हो जाएंगे, 29% ये हो जाएंगे 20 और 12 52। 50 में से 21 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 और 2, 29% ही ये हो जाएंगे, सभी 29% हो गए, और प्लस आ जाएगा x। एक बार क्वेश्चन को जरा दोबारा से लगाइएगा, इस क्वेश्चन को दोबारा से लगाइए, एक बार चेक कर लेते हैं, दोनों के कॉमन भाग 23%, 21% और 20%, सही हटा दो, 20%, 23%, 21%, ठीक है। तो ये हो गया, 29 दिया कितना होता है, तो ये हो जाएगा 95%, और 29 दिया होता है 87, 87% की वैल्यू, और प्लस x परसेंट क्या है, तीनों में कॉमन, 87 को इधर लेके आएंगे तो x परसेंट का मान बराबर आ जाएगा 95%, 95% और माइनस 87%, 87 को 95 में से माइनस करेंगे तो
आ जाएगा 8%। ये 8% क्या है? ये 8% वो विद्यार्थी हैं जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में भाग लेते हैं। मतलब ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है ना, इसका मान आ गया हमारे पास 8% तीनों का बीच का हिस्सा आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन हो गया, अब उसके बाद ये दोनों वाले हिस्से निकालेंगे। तो उसने कहा 20% मैथ और फिजिक्स में भाग लेते हैं। मैथ और फिजिक्स दोनों में भाग लेने वाले टोटल 20% है। 20 में से 8 ये रह गए, तो इसका मतलब ऊपर कितने बचे? तो 20 में से 8 को हटाएंगे तो ऊपर बचे 12%। ठीक है, ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने हैं? 23%। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में 23% भाग लेते हैं, 23%। 8% ये चले गए, तो 23 में से 8 को माइनस करेंगे तो इधर कितना बचेगा? तो आप कहेंगे कि सर 15% बचेगा। ऐसे ही यहां पर मैथ में और केमिस्ट्री में 21% भाग लेते हैं दोनों में, दोनों टोटल हिस्सा दोनों का यहां से लेके यहां तक आएगा, इसमें 8% ये है, तो 21 में से 8 को माइनस कर देंगे तो इधर आ जाएंगे कितने परसेंट? 13%। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं कि उसने पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि मैथ, भौतिक और रसायन शास्त्र में से किसी न किसी एक सब्जेक्ट में, किसी न किसी एक विषय में जो है रुचि लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। इसका मतलब हमें ओनली, हमें यह तो पता लग गया कि तीनों में रुचि लेने वाले 8% हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में रुचि लेने वाले दिए थे, बाकी सब दिए थे, ये पता लग गया। अब हमें केवल ये पता लग जाए कि केवल मैथ में कितने रुचि लेते हैं, मतलब ये वाले भाग की वैल्यू पता लग जाए, ओनली मैथ में रुचि लेने वाले ये वाला भाग। तो ओनली मैथ वाले कैसे निकालेंगे? टोटल 49% यहां तक का मान है, इसमें से इन तीनों मानों को जोड़कर घटा दें तो ओनली मैथ वाले आ जाएंगे इधर वाले। तो देखो 49 में से इसको माइनस करेंगे तो 12 और 8 20 और 13 कितना हो गया? 33। तो इसका मतलब 16% केवल मैथ में इंटरेस्ट लेने वाले हो जाएंगे, ओनली मैथ्स वाले हो जाएंगे, केवल गणित वाले हो जाएंगे। ऐसे ही 52% में से इन तीनों को जोड़कर घटा देंगे तो 20 और 15 35, 35 को जब इसमें से माइनस करेंगे तो 35 को इसमें से माइनस करेंगे तो 17% कौन से हो जाएंगे? केवल फिजिक्स में इंटरेस्ट लेने वाले हो जाएंगे भाई 17%। ऐसे यहां पर 50% केमिस्ट्री में टोटल लेते हैं, रेड सर्किल जो है ये 50% मान है, इसमें 15, 8, 13 ये ऑलरेडी आ चुका है तो इसको हटा दें तो केवल इधर वाले भाग की वैल्यू आ जाएगी, ओनली केमिस्ट्री वालों की आ जाएगी। तो 50 में से ऐसे इसको घटाएंगे तो 28 और 8, 36 को इसमें से माइनस करेंगे तो प्यारे विद्यार्थी ये हो जाएंगे आपके 14% जो है ये हो जाएंगे केवल केमिस्ट्री में। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि ये बताइए कि गणित, रसायन शास्त्र और भौतिक विज्ञान में से किसी एक विषय में रुचि लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो वो कैसे निकालेंगे केवल एक विषय में रुचि लेने वाले, इसका मतलब ओनली मैथ्स में। तो हम अगर आंसर करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल मैथ में कितने परसेंट रुचि लेते हैं? 16%, क्योंकि उसने केवल एक विषय का बोला है तो ओनली एक विषय वाले लेने हैं। केवल फिजिक्स में कितने परसेंट रुचि लेते हैं? तो 17%। और केवल केमिस्ट्री में कितना रुचि लेते हैं? 14%। इसको भी ऐड कर देंगे तो रुचि लेने वाले आ जाएंगे। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 और 14 30 और 17, 47% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो एक विषय में रुचि लेते हैं, तीनों में से किसी भी एक विषय में रुचि लेते हैं। बस ये हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 47%। लेकिन यहां से हमें क्या क्या पता लग गया और क्या क्या चीज क्या है ये एक बार समझ लेंगे, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन से हम थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे तो बस इसमें समझ लें आप। तो देखो 49% क्या है? 49% इस जो ब्लैक सर्कल है ना, इसकी टोटल वैल्यू है, जिसमें ओनली मैथ्स वाले भी हैं, मैथ्स और फिजिक्स लेने वाले भी हैं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों लेने वाले भी हैं और मैथ्स और केमिस्ट्री लेने वाले भी हैं। ऐसे 52% में 17% जो है केवल फिजिक्स वाले हैं, 12% फिजिक्स मैथ वाले, 8% तीनों वाले, 15% फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले हैं। ऐसे 50% में 14% केवल केमिस्ट्री वाले हैं, 13% इन दोनों वाले हैं, 8% तीनों वाले हैं और 15% इन दोनों को लेने वाले हैं। तो 17% ओनली फिजिक्स, 16% ओनली मैथ, 14% ओनली केमिस्ट्री, 5% ऐसे हैं जो किसी में भी भाग नहीं लेते, मतलब इन वेन डायग्राम में ये आएंगे नहीं। वेन डायग्राम की टोटल वैल्यू को आप ऐड करेंगे तो वो 100 नहीं आएगा, वो 95 आएगा, क्योंकि 5% ये बाहर वाला भाग है, तब जाके टोटल 100% होगा। क्यों? क्योंकि 5% विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में भाग नहीं लेते, इस वजह से इन वेन डायग्राम का जो टोटल जोड़ है जो 95% आएगा। और ये जो 95% आएगा ये कौन
से होंगे? ये 95% वो होंगे जो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में अवश्य रुचि लेते हैं। इनमें एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो किसी सब्जेक्ट में रुचि ना ले। मतलब 100% विद्यार्थियों में से रुचि ना लेने वालों को घटा देंगे तो वो विद्यार्थी आ जाएंगे जो किसी न किसी सब्जेक्ट में अवश्य रुचि लेते हैं, और इसी को हम कहते हैं यूनियन, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। 49% जो है ये इंडिविजुअल मैथ्स, ऐसे ही 52% इंडिविजुअल फिजिक्स और 50% इंडिविजुअल केमिस्ट्री, मतलब एक सब्जेक्ट में लेने वाले। ये दोनों में कॉमन, मैथ फिजिक्स में 20, ऐसे केमिस्ट्री फिजिक्स में ये कॉमन, तो वो वाले माइनस होते हैं। और ये जो प्लस होता है वो तीनों में, एक्स जो है हमने प्लस किया है, ये तीनों का, तीनों में कॉमन भाग प्लस किया है, वहां से तीनों में कॉमन भाग निकाला हमने 8%। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 47%। ठीक है, तो 47 क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। जरा सेकंड क्वेश्चन लगाना, देखना कौन सी ऑप्शन पे है 47%। तो देखो 47% बेटा सी ऑप्शन पे है, सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो यहां से, यहां पे पूछा था जो गणित भौतिक विज्ञान तथा रसायन शास्त्र में से किसी एक को पसंद पढ़ना पसंद करते हैं, किसी एक को, बस एक सब्जेक्ट को, तो केवल एक एक वाले लेने, मतलब 16% 17% और 14% को ऐड करना है, तीनों को ऐड करके कितना गया 47%। ठीक है, तो ये है सेकंड क्वेश्चन। देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन लगाएंगे। जरा देखो थर्ड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल उसी टाइप पर आधारित है जो पीछे मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए, कुछ भी अलग नहीं है। जैसी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखता है आप उसको पढ़ा करें और करने की कोशिश करा करें। तो देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, समुच्चय एक्स 3 के 25 भिन्न भिन्न गुणजों का समुच्चय है, एक्स के 3 भिन्न भिन्न 25 गुणजों का समुच्चय है। समुच्चय एक एक्स है जो 3 के 25 भिन्न भिन्न गुणज का समुच्चय है, तथा समुच्चय वाई, ये जो वाई है ये 2 के भिन्न भिन्न 40 भिन्न भिन्न गुणज का समुच्चय है, और तथा 6 के 5 भिन्न भिन्न गुणज हैं जो दोनों समुच्चय के अवयव हैं। यदि जेड एक ऐसा समुच्चय है जिसके अवयव एक्स तथा वाई में संबंध हैं लेकिन दोनों से नहीं है, तो ज्ञात कीजिए समुच्चय जेड में कितने पूर्णांक हैं। ये तो भाई देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये 3 वेन डायग्राम पर आधारित नहीं है, इसमें केवल 2 ही सेट है, एक्स और वाई, और जेड तीसरा सेट है, उसका मान हमें बताना है और उसकी विशेषता उसने हमें दी है। उस जेड सेट की विशेषता क्या दी है, वो विशेषता दी है कि जिसके अवयव एक्स, जिसके अवयव एक्स तथा वाई से संबंधित हैं लेकिन दोनों से नहीं है, ये विशेषता दी है, तो उस समुच्चय का मान बताना है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 वेन डायग्राम पर आधारित है, इसमें केवल 2 ही सेट बनाने हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है तीसरा, तो इसमें 2 सेट बनाने, एक सेट एक्स है और एक दूसरा सेट वाई है, 2 सेट हैं, एक सेट वाई है और एक जो है सेट एक्स है। अब उसके बाद देखो एक्स समुच्चय में कितने अवयव हैं, तो उसने कहा है एक्स 3 के 25 भिन्न भिन्न गुणज हैं, मतलब 25 गुणज हैं इसमें 3 के, तो एक्स में कितने गुणज आ जाएंगे 25, इसका मतलब ब्लैक सर्किल की टोटल वैल्यू 25 होगी। ऐसे यहां पर वाई के 2 के 40 भिन्न भिन्न गुणज हैं, इसका मतलब वाई में 40 गुणज हैं, इसका मतलब रेड सर्किल की वैल्यू टोटल 40 होगी। उसके बाद उसने क्या कहा है कि तथा 5 के 5 भिन्न गुणज हैं जो दोनों समुच्चय के अवयव हैं, मतलब 5 ऐसे हैं जो y के भी हैं और x के भी हैं, मतलब 6 है, तो 6 देखो 6 क्या है, 6 की अगर हम बात करें तो 6 = 2×3, इसका मतलब 6 के जो गुणज होंगे वो 2 के भी होंगे 3 के भी होंगे, मतलब इन दोनों का कॉमन भाग, तो उसमें कितने हैं 5 उसने कहा है। अब इसमें टोटल दोनों में कॉमन कितने हो गए 5, अब मैं निकालूं कि ओनली वाई के कितने गुणज होंगे, अब अगर मैं निकालूं कि ओनली वाई के कितने होंगे तो ओनली वाई वाले कितने होंगे 40 में से अगर मैं 5 को घटा दूं तो केवल वाई वाई कितने आ जाएंगे 35, इसका मतलब 35 गुणज केवल वाई में
तीन के, वाई में कौन सी है, दो के गुणज, इसका मतलब दो के गुणज, केवल दो के गुणज 35 होंगे। ऐसे ही केवल x के निकालेंगे तो 25 में से 5 को माइनस करेंगे तो केवल x के कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। ये 20 केवल x समुच्चय के टर्म होंगे, 35 केवल y समुच्चय के टर्म होंगे और 5 जो है x और y दोनों के टर्म होंगे ये। अब उसके बाद देखो हमसे पूछा क्या, तो उसने कहा जिसके अवयव a, यदि एक समुच्चय, यदि z एक ऐसा समुच्चय है जिसके अवयव x तथा y से संबंधित हैं लेकिन दोनों से नहीं है, इसका मतलब z जो सेट होगा, जो z सेट होगा, एक जो z सेट होगा, इस z में अवयव जो होंगे वो x और y दोनों वाले नहीं आएंगे, मतलब 5 नहीं आएंगे, केवल x के अवयव आएंगे और y के अवयव आएंगे। तो x के अवयव कितने हैं 20 और y के अवयव कितने हैं 35, तो 35 और 20 कितना हो गया बेटा, तो z में कितने अवयव होंगे 55। 55 इस क्वेश्चन का कौन सा है, सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। उसने पूछा है यदि z एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयव x तथा y से संबंध रखते हैं, मतलब x और y से संबंध तो रखते हैं लेकिन दोनों से नहीं रखते हैं, इसका मतलब कॉमन भाग नहीं आना चाहिए, तो कॉमन कितना है 5, आप चाहें तो 25 और 40 को जोड़कर तो कितना हो गया 65 हो गया, 65 में से 10 घटा दें क्योंकि 5 एक बार इसमें आ रहा है और 5 एक बार इसमें भी आ रहा है, तो 5 का 2 गुना 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 55 अवयव ऐसे हो जाएंगे जो x और y से संबंध तो रखते हैं लेकिन x y दोनों से नहीं रखते, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 55 हो जाएगा, z समुच्चय के अवयव कितने हो जाएंगे 55 हो जाएंगे। ठीक है, देखेंगे आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 छात्र हॉकी खेलते हैं, हॉकी खेलने वाले हो गए, ठीक है भैया, और 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, ये क्रिकेट खेलने वाले हो गए, इसका मतलब दो सेट बनाने पड़ेंगे, एक हॉकी के लिए एक क्रिकेट के लिए। उसके बाद 11 छात्र फुटबॉल खेलते हैं, इसका मतलब एक और खेल आ गया, इसका मतलब फुटबॉल के लिए एक तीसरा बनाना पड़ेगा हमें, मतलब ये तीन वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन है। 7 छात्र हॉकी क्रिकेट दोनों खेलते हैं, 4 छात्र क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 5 छात्र हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 18 छात्र ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते, बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना, इसका मतलब 18 छात्र तो 50 में से बेकार हो गए, ये कोई खेल खेलते ही नहीं है, तो छात्रों का अनुपात ज्ञात करो जो सभी खेल खेलते हैं, जो केवल दो खेल खेलते हैं। तो देखो पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं तीन के लिए, तो तीन है, तीन गेम है, तो तीन वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे। देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तीन वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे भाई, एक आपको क्रिकेट के लिए बनाना पड़ेगा, एक वेन डायग्राम आपको हॉकी के लिए बनाना पड़ेगा और एक वेन डायग्राम आपको तीसरे वाला गेम जो है फुटबॉल के लिए बनाना पड़ेगा। तीन के लिए तीन वेन डायग्राम, और तीनों की वैल्यूज आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही होंगी, ब्लू पेन, रेड और ये ब्लैक, ब्लैक वाले से हम डिनोट कर लेते हैं हॉकी वालों को, हॉकी वालों को हम डिनोट कर लेते हैं ब्लैक से, क्रिकेट वालों को रेड से बना लेते हैं, सी लिख लेते हैं, बस ज्यादा लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं, शॉर्ट में डाल लिया करो बस भाई, क्वेश्चन को हमें जल्दी से जल्दी एग्जाम में करना है, ज्यादा नहीं लिखना, राइटिंग को कम से कम करना है, पेन को कम से कम चलाना है, दिमाग को ज्यादा से ज्यादा चलाना है। ऐसे ही फुटबॉल को मैं एफ लिख लेता हूं। अब उसके बाद सबके लिख लेते हैं, फुटबॉल कितने खेलते हैं भाई, तो उसने कहा 11, तो 11 फुटबॉल खेलने वाले हो गए, मैं लिखता जा रहा हूं। ऐसे ही क्रिकेट कितना खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलने वाले हो गए 15, उसने क्लियर दिया है 15 जो छात्र हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, और 20 जो है वो हॉकी खेलते हैं, तो हॉकी खेलने वाले कितने हो गए बेटा 20 हो गए। ठीक, बिल्कुल आराम से समझिएगा, 20 हो गए ये, 20 हॉकी, मतलब ये यहां से लेके यहां तक टोटल वैल्यू 20 है, क्रिकेट 15, यहां से लेके यहां तक टोटल 15 है और यहां से लेके यहां तक टोटल 11 है। अब उसके बाद 7 हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, अब इसको अवॉइड करना है। 5 छात्र क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तीनों में कॉमन वाला भाग मिलना चाहिए पहले। 5 छात्र हॉकी फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी हमें तीनों में कॉमन भाग नहीं मिला, इसका मतलब उससे हमें निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए और देखते हैं क्या दिया, दोनों में कॉमन को छोड़कर उसने दिया 18 छात्र ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते, इसका मतलब 50 में से 18 तो पहले ही चले जाएंगे, 50 में से, क्योंकि 18 जो है बाहर वाली वैल्यू हो जाएगी, जो मैंने बताया था ऐसे अगर मैं इसमें आयत बना दूं तो ये बाहर वाली वैल्यू हो जाएगी, आप आयत नहीं बनाते हैं, तो जो नहीं खेलते या जो भाग नहीं ले रहे उसको पहले ही घटा दें। तो 50 स्टूडेंट टोटल है, उनमें से 18 किसी भी खेल में भाग नहीं लेते, तो ये तो पहले ही भाग जाएंगे भैया, तो कितने बचेंगे बाकी के 32 छात्र ऐसे हैं जो किसी न किसी खेल में भाग अवश्य लेते हैं, मतलब खेल खेलने वाले स्टूडेंट कितने होंगे 32, मतलब इन तीनों वेन डायग्रामों का, इन तीनों वेन डायग्रामों की टोटल वैल्यू 32 होगी, तो ये यूनियन हो गया, ठीक है, ये यूनियन हो गया, तो यूनियन की वैल्यू कितनी हो गई 32। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, तीनों में कॉमन भाग, ये वाला भाग हमें निकालना है, ये वाला भाग निकालना है, तो कैसे निकालते हैं,
यूनियन की वैल्यू 32 बराबर होगी, तीनों का इंडिविजुअल कितने कितने 20, 15 और 11, उनको लिखेंगे तो 20 प्लस 15 प्लस 11, फिर दोनों में कॉमन कॉमन कौन से हैं, तो चार छात्र क्रिकेट और फुटबॉल, सात हॉकी क्रिकेट, तो -7 -4 और माइनस और कौन से पांच छात्र ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, वो सब घट जाएंगे और तीनों का मान लो आप एक्स छात्र तो वो इसमें जुड़ जाएंगे। अब देख लो यहां से 32 की वैल्यू बराबर हो जाएगी, 20 में से 7 को माइनस करेंगे 13 हो जाएगा, 15 में से 4 को माइनस करेंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 5 को माइनस करेंगे 6 हो जाएगा प्लस एक्स, 6 और 11 कितना हो गया 17, 17 और 13 कितना हो गया बेटा 30, 30 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो एक्स का मान कितना हो गया 2। ये कौन से हो गए जो तीनों में कॉमन है, मतलब ये छात्र ऐसे हो गए जो क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल तीनों गेम खेलते हैं, उनकी संख्या कितनी आ गई 2। अब क्वेश्चन हमारे लिए करना आसान हो गया, सात छात्र हॉकी और क्रिकेट, तो हॉकी और क्रिकेट सात खेलते हैं उसमें से 2 ये आ गए तो इधर कितने बचे 5। ऐसे ही चार छात्र क्रिकेट और फुटबॉल, तो क्रिकेट और फुटबॉल चार खेलते हैं 2 इधर आ गए तो इधर कितने बचे 2। ऐसे उसके बाद पांच छात्र हॉकी और फुटबॉल, तो हॉकी और फुटबॉल पांच में से 2 इधर आ गए तो कितने बचे 3। उसके बाद उसने हमसे पूछा क्या ये देख लेते हैं, जिससे कि अगर मैं ओनली ओनली हॉकी खेलने वाले निकालूं तो 20 में से इनको घटा देंगे 5 और 2 7 और 3 को, लेकिन देख लेते हैं कि क्या उसको निकालने की जरूरत है। तो उसने कहा उन छात्रों का अनुपात ज्ञात करो जो सभी खेल खेलते हैं, तो वो तो हमें पता लग गया कितने खेलते हैं 2। दो छात्र ऐसे हैं जो सभी खेल खेलते हैं तो 2 आ गया। उसके बाद रेशियो, किससे रेशियो पूछा है इनका, तथा जो केवल 2 खेल खेलते हैं, मतलब एक खेल खेलने वालों की कोई जरूरत ही नहीं है, उनको निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो केवल 2 खेल खेलने वाले कौन से हो गए, तो एक तो ये 2 खेल खेलते हैं क्रिकेट और फुटबॉल, तो 2 तो ये हो गए, प्लस 5 ये खेलते हैं हॉकी और क्रिकेट, और 3 ये हो गए, इन सबको जोड़ देंगे तो 2 खेल खेलने वाले कितने हो गए 5 और 5 10, तो 2:10, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1:5। सी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:5, क्योंकि उसने हमसे ये पूछा था कि सभी खेल खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात केवल 2 खेल खेलने वालों से बताइए, तो सभी खेल खेलने वाले 2 और केवल 2 खेल खेलने वाले कितने हो गए 5, 3 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। अगर मैं ओनली हॉकी की बात करूं कि केवल हॉकी कितने खेलेंगे, तो 20 में से 5 और 2 7 और 3 10 को घटा दो तो 10 जो है वो केवल हॉकी खेलेंगे, ओनली हॉकी खेलने वाले होंगे। अगर पूछा होता तो, पूछा नहीं है तो कोई करने की जरूरत नहीं है। 15 में से 4 और 5 9 को घटाएंगे तो 6 केवल क्रिकेट वाले हो जाएंगे, ओनली क्रिकेट खेलने वाले हो जाएंगे बेटा, ये ओनली क्रिकेट खेलने वाले, बस मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। ऐसे फुटबॉल 11, 4 और 3 7 घटाएंगे तो ओनली 4 जो है ओनली फुटबॉल वाले हो जाएंगे, ओनली फुटबॉल वाले, तो इसमें से 32 जो है टोटल, इनको आप जोड़ लो, 10 और 6 कितने हो गए 16, 16 और 4 कितना हो गया 20, 20 और 5 कितना हो गया 25, 25 और 7 कितना हो गया 32, 32 ऐसे हैं जो किसी न किसी खेल में भाग अवश्य लेते हैं, ये यूनियन होता है। उसके अलावा इसमें से 18 ऐसे हैं जो किसी में भाग नहीं लेते, टोटल है 50, 50 में से मैंने 18 घटा दिया तो 32 आ गई इन सभी वेन डायग्रामों की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देखेंगे आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, तो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5th, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चन और आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, फिर उसके बाद परसेंटेज के सारे टाइप खत्म हो गए, परसेंटेज में कुछ भी नहीं बचा, ये जो वेन डायग्राम है ये परसेंटेज का बिल्कुल लास्ट वाला टाइप था, इसको भी हमने खत्म कर लिया है, बस इसकी अब प्रैक्टिस करानी है, परसेंटेज जो टॉपिक है इसकी प्रैक्टिस करानी है, और जल्दी ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, धीरे धीरे सबको कवर करेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो देखो पांचवें क्वेश्चन को पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है किसी स्कूल में 3 खेलों के लिए सदस्य चुने जाने हैं, यहां से हमें पता लग गया कि भाई वेन डायग्राम कितने बनेंगे 3 बनेंगे, 54 लोग बास्केटबॉल टीम में हैं, 57 लोग हॉकी टीम में हैं, 62 लोग फुटबॉल टीम में हैं, 33 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों में हैं, 30 लोग हॉकी और बास्केटबॉल दोनों में हैं, 32 लोग बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों में हैं, 17 लोग ऐसे हैं जो तीनों टीम में हैं। अब की बार क्वेश्चन को सॉल्व करना भाई आसान हो गया, क्योंकि इसमें हमें ये चीज दे दी है कि तीनों टीमों में कितना भाग लेते हैं, ये चीज दे दी है, इसका मतलब हमें इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर लेंगे। तो देखो पांचवें क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझेंगे, 3 खेल हैं तो भैया 3 वेन डायग्राम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक खेल का एक अलग सेट बनेगा, अलग समुच्चय बनेगा, तो हर एक का अलग समुच्चय हमें बनाना पड़ेगा, लो बना लिए हमने भाई सबके अलग अलग समुच्चय बना लिए, तो एक खेल कौन सा है, बास्केटबॉल है,
मैं इसको बी से डिनोट कर लेता हूं, एक खेल आपका हॉकी है मैं इसको एस से डिनोट कर लेता हूं, और एक जो खेल है वो आपका फुटबॉल है इसको मैं एफ से डिनोट कर लेता हूं। फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं, तो उसने कहा है कि 62 लोग फुटबॉल टीम में है, तो 62 हो गए भाई फुटबॉल टीम में, ठीक है 52 हो गए। उसके अलावा 54 लोग बास्केटबॉल टीम में है, तो 54 हो गई बास्केटबॉल टीम में, बिल्कुल समझते जाना। देखो यहाँ पे दिया है 54 लोग बास्केटबॉल टीम में है, 57 लोग हॉकी में है, तो इसका मतलब 57 हो गए हॉकी में। उसके बाद उसने तीनों का कॉमन दिया है, तीनों का कॉमन मैंने हाईलाइट कर दिया है, 17 लोग ऐसे हैं जो तीनों में भाग लेते हैं, तो ये जो बीच वाला भाग है इसमें आ जाएंगे 17 लोग, 17 लोग ऐसे हैं जो तीनों में भाग लेते हैं। उसके बाद हमें दो दो वाले भी दिए हैं इसने, यहाँ सारी चीजें निकालना हमारे लिए आसान रहेगा। 33 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं, फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं 33 में से 16 इधर आ गए, 33 में से 17 इधर आ गए, तो बाकी कितने बचे 16, ये ऊपर आ जाएंगे। ऐसे ही आगे देखो, जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं, 30 लोग हॉकी और बास्केटबॉल, तो हॉकी और बास्केटबॉल 30 में से 17 इधर आ गए, तो इधर कितने बचे 13। उसके बाद कितने हैं, उसके बाद 32 लोग बास्केटबॉल और फुटबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल 32 में से 17 ये हैं, तो इसका मतलब ये कितने बचे बेटा 15 बचे। अब देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा, ये सारी चीजें आ गई, अब ओनली हॉकी ओनली फुटबॉल ओनली बास्केटबॉल भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार ये देख लो कि हमसे पूछा क्या है। तो उसने कहा है तो कुछ कुल लोगों की संख्या जो किसी न किसी टीम में है, मतलब हमें ऐसे लोग बताने हैं जो किसी न किसी टीम में अवश्य है, मतलब हमें उन व्यक्तियों की संख्या बतानी है जो खेल अवश्य खेल रहे हैं, जो नहीं खेल रहे उनको नहीं बताना, इसका मतलब अवश्य खेल रहे हैं, कोई ना कोई खेल अवश्य खेल रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं यूनियन, मतलब हमें टोटल सर्किल की वैल्यू बतानी है, तो टोटल सर्किल की वैल्यू के लिए इनको इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा कि केवल हॉकी कितने खेलते हैं, तो केवल हॉकी कितने खेलेंगे, 57 में से इसको घटा दो तो 30 और 16 कितना हो गया 40, तो 11 जो है वो केवल हॉकी खेलेंगे, ओनली हॉकी वाले हो गए कितने बेटा 11। ये जो ब्लैक से इंक से जो हो रहा है हाईलाइट, इस वाले भाग की वैल्यू होगी 11। ऐसे ही केवल फुटबॉल वाले निकालेंगे तो ये वाला भाग जो है ये केवल फुटबॉल वाला होगा, तो 62 में से इनको घटा देंगे तो 16 और 15 31 और 7 38 10 48 48 को इसमें से माइनस करेंगे तो ओनली फुटबॉल वाले हो जाएंगे 14 14 हो जाएंगे 48 को माइनस करेंगे, तो देखो माइनस कर लो 48 को इसमें से, तो 12 में से 8 गए 4 एक 14 आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे 54 में से इन सभी को माइनस कर देंगे तो ओनली ये वाला भाग आ जाएगा कि केवल बास्केटबॉल कितने खेलते हैं, तो 15 30 32 32 और 3 35 10 45 को इसमें से माइनस करेंगे तो ओनली 9 ऐसे हो जाएंगे जो केवल बास्केटबॉल खेलते हैं। अब उसने हमसे पूछा है कि ऐसे विद्यार्थी ऐसे लोग बताइए जो किसी न किसी टीम में अवश्य हैं, मतलब हमें जो खेल रहे हैं उनको बताना है, चाहे वो किसी न किसी टीम में अवश्य हो, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मुझसे उसने ये पूछा है कि हॉकी खेलने वाले यूनियन, बास्केटबॉल खेलने वाले यूनियन, फुटबॉल खेलने वाले, सबका यूनियन उसने पूछा है। यूनियन का मतलब सर्किलों का टोटल मान, तो इन सबको जोड़ दो बस, तो इन सबको जोड़ देते हैं, देखो 11 और 9 कितना हो गया 20, 20 और 14 कितना हो गया, तो 20 और 14 हो गया हमारा 34, 34 तो हो गए एक वाले, 34 के बाद 16 ये हो गए। ये देखो भागों को मैं अलग अलग हाईलाइट करके दिखा देता हूं, ये जो ब्लैक से इंक हो रहे हैं ये केवल एक खेल खेलने वाले हैं, केवल हॉकी खेलने वाले, केवल फुटबॉल खेलने वाले, केवल बास्केटबॉल खेलने वाले, और ये जो ब्लू से मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये दो खेल खेलने वाले हैं, ये दो खेल खेलने वाले हैं, मतलब इस वाले सर्किल का मान है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, केवल इसकी वैल्यू है, और जो आपका बिल्कुल मिडिल में है जो तीनों गेम खेलते हैं वो मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूं, ये तीनों गेम खेलने वाले हैं। हमें इन सबको जोड़कर यूनियन, यूनियन का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कोई ना कोई कुछ ना कुछ अवश्य खेल रहा है, इसमें बस ऐसे शामिल नहीं होंगे जो इसमें भाग ना ले रहे हों, तो इसका मतलब सभी का जोड़ जो होता है वो यूनियन होता है, इन सर्किल का टोटल मान यूनियन होता है। तो मैं वही कर रहा था, देखो क्या कर रहा था, 11 और 9 20, 20 और 14 कितना हो गया 34, तो ये हो गए प्लस, उसके बाद दो दो वाले ऐड कर लेते हैं, तो दो दो वाले कौन से हो गए, देखो 16 और 15 कितना हो गया 31, 3 34 और 10 कितना हो गया 44 प्लस, और तीन वाले हमें पता ही है, तीन वाले कितने हैं 17, सभी को जोड़ दो तो यूनियन आ जाएगा, तो 4 और 4 8, 8 और 7 15,
का 5, 1, 2, 4, 6, 3, 9 इसका मतलब 95 लोग ऐसे होंगे, 95 लोग जो हैं ऐसे होंगे जो कोई न कोई खेल अवश्य खेलते हैं, जो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 सी ऑप्शन पे है, तो 95 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कोई न कोई खेल अवश्य खेलते, वही उसने हमसे पूछा था। यहां हमें यह पता नहीं है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेलते, जो हम कुल लोगों की संख्या बता सकें। कुल लोगों की संख्या हमें दो चीज नहीं पता, एक तो यह नहीं पता कि टोटल लोग कितने हैं, टोटल कितने लोग हैं, टोटल पीपल कितने हैं या टोटल स्टूडेंट कितने हैं, और हमें यह नहीं पता कि जिन्होंने किसी गेम में भाग नहीं लिया वो कितने। इन दोनों में से कोई एक चीज पता होती तो दूसरा निकाल लेते। जैसे मान के चलो उसने कहा होता कि कुल लोग जो हैं वो 110 हैं, तो बताइए वो कौन से हैं जो भाग नहीं लेते, तो मैं कुल लोगों में से बस 95 जो भाग ले रहे इनको घटा देता, तो भाग ना लेने वाले आ जाते, कितने आ जाते, 15। या मान के चलो हमें यह दिया होता 15 लोग ऐसे हैं जो किसी भी खेल में भाग नहीं लेते, तो बताइए कुल लोग कितने होंगे, तो मैं 15 को 95 में जोड़ देता, तो कुल लोगों की संख्या आ जाती 110। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं था, यहां पर उसने पूछा था कुल लोगों की संख्या जो किसी न किसी एक टीम में भाग अवश्य लेते हैं, तो वो कितनी आ गई प्यारे विद्यार्थियों, 95 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वेन डायग्राम में तीन वेन डायग्राम से रिलेटेड, तीन सेट से रिलेटेड, समझ से रिलेटेड कंसेप्ट को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, उसके अलावा उस पर आधारित 5 क्वेश्चन स्टडी किए हैं। अब हम अगली क्लास में वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, कुछ और क्वेश्चन समझेंगे, जिससे वेन डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा। इसी टाइप के साथ प्यारे विद्यार्थियों आपका परसेंटेज टॉपिक पूरी तरह से फिनिश हो गया है, बस इसमें हमें क्या करना है, बस परसेंटेज पर अब हमें प्रैक्टिस करनी है, मतलब हमने नीम बना ली है, अब हमें बिल्डिंग खड़ी करनी है, या हम ये कह सकते हैं कि हमने इंजन को स्टार्ट कर लिया, बस स्पीड देनी है, तो वो वाला काम करेगा प्रैक्टिस। तो अब हम परसेंटेज की एक और वेन डायग्राम की क्लास के बाद परसेंटेज की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो अगली क्लास में मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा ऐसे ही वेन डायग्राम के कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, सही रहें, स्वस्थ रहें।